बुधवार को गोवा एयरपोर्ट के एक MiG-29 के एयरक्राफ्ट को रनवे पर उतारा गया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट में अचानक आग लग गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेनी पायलट MiG-29 के को टेक ऑफ कर रहे थे। ताजा जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट में लगी आग को बुझा लिया गया है और एयरक्राफ्ट में मौजूद ट्रेनी पायलट सीट इजेक्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकल गया है। वहीं इस हादसे के बाद फिलहाल गोवा एयरपोर्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।